हेलो फ्रेंड्स, चारों मात्रा सही में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम अपने वीडियो में मिठाई लेके आए हैं, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। सो आइए देख लेते हैं आज हम अपने वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। एक पैन में ये हमारी घर की फ्रिज में रखी हुई 3 कटोरी मलाई थी, वो हमने एक पैन में कर ली है। इसे हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं पहले। जब ये हमारी हल्की हल्की इस तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसमें 4 टेबलस्पून जितनी शुगर ऐड करेंगे और अपनी मलाई को इस चीनी के साथ ही हम कुक करेंगे। इस तरीके से मलाई हमारी धीरे धीरे आप देखेंगे थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये हमारे बर्तन में नीचे स्टिक ना हो जाए। इस तरीके से मलाई हमारी सेपरेट हो जाएगी आप देखेंगे, और हमारा घी अलग हो जाएगा। अब हमें इसी को ही लगातार चलाते हुए कुक करना है। देख सकते हैं इस समय हमारा पूरा घी अलग हो चुका है मलाई में से। आइए, हमारा जो इसमें अभी घी एक्स्ट्रा है, पहले हम उसको छान के निकाल लेते हैं और बाकी फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सो इसे हम पहले स्ट्रेन कर लेते हैं। और ये जो फोक हमारा जो बचता जाएगा मलाई का मावा, हम इसको एक अलग प्लेट में सेपरेटली निकाल के रखते जाएंगे। ये इस तरीके से हमारा घी निकल गया है, इसे आप अपने रोज के यूज़ में ले सकते हैं खाने में। आइए अब हम अपनी मिठाई की तरफ चलते हैं। अब इसको हम वापस से अच्छे से खूब हम चलाते हुए कुक करेंगे। भूनते हुए आप देख सकते हैं ये इतना डार्क हमारा हो चुका है। अभी हम इसे और भी ज़्यादा ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ये हमारा जब इतनी स्टेज तक आ जाएगा, सो हम इसमें अपना आधा गिलास हमने दूध लिया हुआ है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, जिससे ये हमारा एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में पहुँच जाएगा। दूध हमने थोड़ा ही डाला है क्योंकि हमें इसका खोया नहीं बनाना है या मिल्क केक नहीं बनाना है, इसे हमें चॉकलेट फॉर्म में ही सेट करना है। सो चॉकलेट का टेस्ट तो तभी आएगा जब दूध थोड़ा रहेगा और ये कैरमलाइज शुगर होने के बाद अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। इसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आने तक कुक करते हैं। देख सकते हैं ये समय परफेक्टली हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा एक साथ आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम बंद करेंगे और आइए इसको हम सेट होने के लिए रखते हैं। इस तरीके से आप कोई भी कंटेनर या बर्तन, आप कोई भी थाल ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए। इसको स्मूथ कर देंगे ऊपर से सरफेस इसका अच्छे से। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे हमारा ये अच्छे से सेट हो जाएगा। हमारी मिठाई को हमने फ्रिज में 1 घंटे के करीब रख के सेट कर लिया है। देख सकते हैं ये काफी अच्छे से हमारी सेट हो चुकी है। इसे आप टच करके देखेंगे तो ये हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। इसके हम पीसेस निकाल लेंगे। और इस तरीके से एक प्लेट में रखते जाते हैं। ये इस तरीके से हमने प्लेट में निकाल लिए हैं और ऊपर से इस तरीके से पिस्ते को हल्का सा गार्निश कर देंगे। सो ये हमारे मलाई से हमने जो अपनी मिठाई बना के तैयार करी है चॉकलेट, वो हमारी तैयार है। इसको टेस्ट करेंगे सो इसका टेस्ट आपको चॉकलेट की तरह ही आएगा। सो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मलाई से भी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं, और यकीन मानिएगा आप इस तरीके से ये बना के तैयार करेंगे सबको बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसका फ्लेवर एकदम आपको चॉकलेट जैसा फील होगा खाने में। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।